तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जदी मोटो लोग। तो कैसे आप सब लोग, होप यू ऑल आर फाइन। तो भाई आज का दिन कुछ ऐसा है, आज हम जाने वाले दिल्ली। अभी तो बज रहे हैं 7। हमारा वैसे प्लान तो 5:30 का था, लेकिन ये है ना कुछ बब्बल लोग, रोहित भाई की वजह से हुआ ये, जो अरुण भाई है ना, इसकी वजह से ही हुए हम लेट, वरना हम लोते होते नहीं अभी। लेकिन फिर एक भाई का और फोन आ रहा है कि वो भी आ रहे हैं, तो हम इसलिए यहीं पर रुक गए। मैंने घर से ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा क्योंकि तब बारिश हो रही थी। सो गाइस अभी तो हम जा रहे हैं दिल्ली भाई शिवम भाई की आरन फाइव की डिलीवरी लेने, और भाई हो सके तो आज जिस बहुत टाइम मतलब जिस चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार था शायद वो भी लगवा लूँ। देखते हैं कैसा सीन रहता है। सो लेट्स बिगिन। चलो मैंने नीचे से, हाँ वो भयंकर भयंकर, अभी आंटी भाई आंटी तो बिल्कुल डरी गई थी। आज अभी इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी। मिनिमम क्या बज रहा है, ये बजने वाला है हमारे 9 बजने वाले हैं, 9 बजने वाले हैं अभी, अभी बजन नहीं है, और हम सुबह के 5:30 बजे से तैयार हैं। यही है ना यार, कभी रोहित भाई लेट कर देते हैं हमारे ग्रुप में यार, कोई ना कोई तो लेट करता ही करता है हर ग्रुप में। कभी रोहित भाई लेट कर देते हैं, कभी पवन भाई बोल दें कि मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। तो यही सारे सीन्स की वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, वरना अब तक तो दिल्ली पहुंच जाते हैं। भाई शिवम भाई तो इतने एक्साइटेड है अपनी बाइक के लिए, तीर हो गए दिख भी नहीं रहे। ये वाला बढ़िया था, ये वाला बढ़िया था। नाइस गाइस, प्लान तो हमारा ही बन रहा था जल लाने का, लेकिन अभी हम ये दिल्ली आ गए तब पता नहीं उस पर कितना अमल होता है कितना नहीं होता, और कौन कौन जाता है कौन कौन नहीं। क्योंकि अब तक कल तक भी हमें बस ये पता था हम 5 बंदे जाएंगे, अब होते होते 7 बंदे हो गए और हमें नहीं पता चला कब हो गए। देख रहे हो सब चिलिंग मूड में चल रहे हैं क्योंकि सबको नींद आ रही है, कोई भी रात से ही नहीं सोया। और शिवम भाई फुल अपनी एंजॉयमेंट में फुल सीधा निकल गए, वो तो अब तक टॉप स्पीड भी चेक करा दी होगी अब तक। बस यार बोलो की वजह से हम भी टॉप स्पीड वगैरह कुछ चेक नहीं कराने के, क्योंकि पीछे बैठे नवीन भाई। ये वीडियो के बना रहे हैं भाई, ओहो सबको स्टोरी के लिए मटेरियल चाहिए कुछ ना कुछ, वरना स्नैपचैट बना स्नैप बना रहे होंगे वही लोंडिया वाले चोचले। अब मारेंगे तो खींचन खींच, क्योंकि भाई जिस बंदे का वेट करने से ना तो बंदे से वो बंदा तो आ गया, अब मारेंगे तो खींचन खींच। यार ये बारिश वाला मौसम बस इसीलिए नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैंने तो भाई टेल टाइडी भी रिमूव कर रखी है। और भाई सारा पानी उछल के कीचड़ उछल के सब पीछे वाले के पे ही आता है, और जब मैं पीछे बैठा हूँ तो मेरे पीछे आता है। यहाँ पे तो बगानी बेकार है, देख रहे कितने डेडिएस्ट गड्ढे हैं भाई, और मेरे पे तो नेकेड भी नहीं है, हैवी आरसी। ओहो ओहो ओ भयंकर भाई, अरे पहले दिन में फिसलती ना कंट्रोल नहीं होती। अभी तो हम वहाँ से पहुँचे थे, मैंने बीच में कैमरा बंद कर दिया था, क्या ही आपको मैं बेफालतू की रोड दिखाऊं और इतनी ख़राब रोड है बस क्या ही बताऊं। अब यहाँ पे आगे आगे एकदम से इतना ज़्यादा जाम लग गया, हम आधे घंटे से खड़े हैं। अब वापस वहाँ से मुड़ के हम इधर को जा रहे हैं, मतलब फुल रॉन्ग साइड, अभी उधर से घूम कर आए इतने घंटे में और अभी यहाँ से आगे को जाएंगे। अब देखते हैं आगे तक का क्या सीन रहता है, आगे कैसे कैसे निकालेंगे। ये देख रहे हो भाई जो इतनी घंटों से भगा रहे थे ना, 155 140 वो हैं ये शिवम भाई, ये रे अब करो बूम 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 बूम।
और यहाँ पे हम भी 130 कर रहे थे, वो भी हम भी यहीं पे हैं। और आगे तक की भीड़ भीड़ है, आगे तक देखते हैं आगे कहाँ पे कट मिलेगा, वहाँ से घूम के जाएंगे। यहाँ से पीछे से घूम कर आए, वो भी रॉन्ग वे भाई। इंसेन भीड़ है भाई, इंसेन भीड़। अब आपको क्या ही भीड़ दिखाऊं यार यहाँ। लेकिन एक सेकंड, ऐसे में बड़ा सख्त लौटा लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अबे यार दीदी तो हमारी वीडियो उल्टी बना रही है, हम दीदी की वीडियो बनाएंगे। तो भाई अभी तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, और भाई आपको वहाँ से यहाँ जाकर रास्ता इसलिए नहीं दिखाया, क्या ही दिखाता है बस रोड एंड रोड। तो भाई हम तो दो बाइक में डिवाइड हो गए, और सारे बंदे अलग, हम अलग, और यहाँ पे ये शिवम भाई हमारे साथ ही हैं। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। ओके ओके, इतनी गाड़ी बवा रहे हैं आज, पता नहीं भाई विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। ये मान लो हम 80-100 भी कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं 150 पहुँच गई हूँ। देख रहे हो भाई कितने गंदे ओवरटेक गेम खेल रहे हैं कार वाले। ये बड़े लगता है यार फोर लाइन हाईवे में कि भाई कहीं से भी काट सकते हो और कहीं से भी निकाल सकते हो। बट रश बहुत ज़्यादा यार, हम फुल फुल नहीं होगा पर भाई। ये हमारा अक्षरधाम, अभी हमें यहाँ से सीधा जाना है जिस भी शॉप से इनको डिलीवरी लेनी है, मुझे नहीं पता, बुक करने तो खुद ही गए थे। और वहीं पे अपना भी कुछ काम करना है गाइस। देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है अक्षरधाम, कभी घूमना है यार, मैं तो कभी घूमने भी नहीं आया। लोग स्कूलों की ट्रिप जाती थी, लेकिन हम तो घर पे आके बस मौज करते थे और बाइक राइड पे जाते थे। कभी खुद जाएंगे घूमने। तो गाइस ये रही हमारी R15 V3 BS4, जिसकी वजह से हम दिल्ली टू यहाँ पे आए, और भाई इतने ज़्यादा जाम वाम से झेल के आए। और भाई मैंने सोचा था ऐसी मुसीबत में आई हम यहाँ पे, बस मैं जानता हूँ कैसे कैसे आए। और यहाँ पे आके जो राइड हुई भाई, यहाँ की ऑसम रोड्स पे लीन, ठीक है, थोड़ा बहुत पुलिस वुलिस से बच बचा के बहुत कैड़ी कैड़ी राइड हुई, बीच बीच में स्टंट्स भी मारे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन अभी भी हमारा आधा ग्रुप हमसे मिसिंग ही है अभी तो। गाइस ये देखो थोड़ी गंदी हो रही है, अभी जाएगी वॉश वगैरह होना है, उसके बाद मिलेगी हमको, उसके बाद लेके जाएंगे हम अपने घर पे, और पूजा वूजा भी कराएंगे इसकी आज ही। और अपनी बाइक का भी तो काम है, वो भी देखते हैं अभी, तो मिलते हैं अभी। One eternity later. ये हमारी R15 V3 BS6 भाई, क्या मस्त लग रही है। अब भाई देखते हैं थोड़ी बहुत चला के देखते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक इनकी बाइक नहीं चलाई है। बुक कराने भी बस ये अकेले अकेले भग गए थे, अभी तो बस ये फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, पता नहीं जो भी इनकी चेजेस नंबर की फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं। अभी देखते हैं चला के, ये तो अभी यहीं पे ये मुशक्कत चल रही है कि डिशपैड ख़त्म हो रखा है, डिशपैड ख़त्म हो रखे हैं, दूर जाना है, दूर जाना है। और बारिश पड़ेगी, हाँ बाइक पे बैठते ही बारिश जैसा मौसम हो गया, और क्या, इतनी देर से ऐसे धूप निकली हुई थी। भाई मस्त लग रही है। तो यह बस मुझे यही दिक्कत लगती है, देख रहे हो ये मोड़ने में हैंडल कटता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। भाई मस्त लग रही है भाई, अभी तो ABS ऑन कर रखा हमने। मस्त बिल्कुल, नहीं कोई भी नहीं है। तो शिवम भाई ने अपनी बाइक नाम करा ली, हम सब ने भी चला के देख लिया, और भाई बहुत स्मूथ और बहुत मस्त चल रही है। बस अभी थोड़ी बहुत वॉशिंग वगैरह करा दी, और पॉल्यूशन वगैरह मतलब जो भी इनका पेपर वर्क था वो सब कंप्लीट कर लिया। अब हम जा रहे हैं अपने काम के लिए, अब कुछ ही टाइम में यहाँ पे एग्जॉस्ट आ जाएगा भाई, इसलिए चलने वाले हैं एग्जॉस्ट के लिए।
भाई वैसे तो मंडे को आए हैं, मंडे को करोल बाग का पूरा मार्केट बंद रहता है, लेकिन रोहित भाई को कुछ दुकानें बताएं, वो जो बता रहे वहीं पे जाएंगे। अभी तो जाते हैं और लगवाते हैं अपना एग्जॉस्ट। भाई आज बताएं सुबह से ही ऐसी सुस्ती आ रही है ना, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, वैसे ही कल रात से सोया नहीं, अभी भी नींद आ रही है, और ट्रैवलिंग करने के बाद तो वैसे भी नींद आती है। तभी चलते हैं और एग्जॉस्ट लगवाते हैं अपना, फेवरेट देखते हैं भाई कौन सा बड़ा लगेगा। अब भाई बस ये दिक्कत है कि इसे मैं रिमूव कर दूंगा ना तो घर कैसे लेके जाऊंगा, हम सब में से किसी की बैग इतना बड़ा तो है नहीं भाई, इसमें को यहीं से लगवा के घर पे ले जाएगा। तो देखते हैं कौन सा पसंद आएगा, क्या पता हम एग्जॉस्ट यहाँ से ले जाएं और अपने ही सौतीगंज में लगवा लें, देखते हैं जैसा भी सीन बन रहेगा। जा रहे हैं एग्जॉस्ट चलवाने, और भाई यहाँ पे हो रही है बहुत कड़ी बारिश, फुल हमारा लाइनअप देख रहे हो कैसे M15 का साउंड जा रहा है। भाई M15 का साउंड है तो मैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा जा रहा है पुलिस वगैरह का। ओहो पुल के ऊपर से कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है, पुल के साइड में चलो। ओ भाई पानी उछल रहा है यार सबकी बाइकों में से, और एक दूसरे की बाइक ही गंदे कर रहे हैं हम, बट क्या ही कर सकते हैं। मैं तो अपने कैमरे का डर है यार, कैमरे पे ना आ गया पानी वरना वीडियो कैसे बनेगी। अभी कुछ टाइम में पुलिस आने वाली है यहाँ पे, अभी यहाँ पे खड़ी नहीं है ना इसलिए हम कर रहे हैं, वरना कौन कर रहा है। You know what time it is? भई यार हर ट्रैफिक लाइन पे हमारे को वही हो रहा है, रेड लाइट ही मिल रही है। भाई यहाँ से कम 11 किलोमीटर तक का रास्ता है, इसलिए हम इतनी मौज कर रहे हैं दिल्ली में, वरना तो काम से ही आए थे, काम से ही चले जाते, जल्दी घर के लिए भी निकलना यार। अरे रोहित भाई को बड़ी जल्दी है भाई, तो फकिंग रश, फकिंग फकिंग अंकल, फकिंग रश। फिर से रेड लाइन, देखो कौन सी बिल्डिंग है, बड़ी बढ़िया लग रही है, सैक्सी सैक्सी। ओहो गैपिंग करते हुए ट्रैफिक में से, भाई ऐसी जगह पे छुपी रहती है पुलिस, क्योंकि वो भी जानता है ऐसी जगह पे राइडर बूस्ट हो जाते हैं। One eternity later.